सोनिया गांधी जी, मनमोहन सिंह जी, केसी वेणुगोपाल जी, अहमद पटेल जी, पीसी चाको जी, सुभाष चोपड़ा जी, डायस पे हमारे सब सीनियर नेता, दोनों तरफ हमारे नेता, एनएसयूआई, यूथ कांग्रेस, महिला कांग्रेस, सेवा दल, भाइयों और बहनों, प्रेस के हमारे मित्रों, आप सबका यहां दिल से बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। मुकुल वासनिक जी, कहां हैं आप? आपने आज इस छोटे से मैदान में इतने सारे बब्बर शेर और शेरनियां कैसे इकट्ठा कर दिए? और देखिए, एक साथ प्यार से खड़े हैं। यह है हमारा कांग्रेस का कार्यकर्ता, किसी से नहीं डरता, एक इंच पीछे नहीं हटता और देश के लिए अपनी जान देने के लिए तैयार रहता है। अच्छा, मुझे कहा पार्लियामेंट में कल, कहा राहुल जी, सुनिए पार्लियामेंट में कल कहा बीजेपी के लोगों ने, आपने भाषण दिया, भाषण के लिए माफी दीजिए। मुझे कहते हैं सही बात बोलने के लिए माफी बोलूं, माफी मांगूं। भाइयों और बहनों, मेरा नाम राहुल सावरकर नहीं है, मेरा नाम राहुल गांधी है। मैं सच्चाई के लिए कभी माफी नहीं मांगूंगा, मर जाऊंगा मगर माफी नहीं मांगूंगा, और ना कोई कांग्रेस वाला माफी मांगेगा। माफी नरेंद्र मोदी को माननी है, नरेंद्र मोदी को देश से माफी मांगनी है, और उनके जो असिस्टेंट है अमित शाह, उनको देश से माफी मांगनी है। क्यों मांगनी है मैं आज आपको बताने आया हूं। सबसे पहले ये देश की शक्ति, इस देश की आत्मा, इस देश की शक्ति इसकी अर्थव्यवस्था थी, अर्थव्यवस्था है नहीं थी। पूरी दुनिया हमारी ओर देखती थी, कहती थी ये हिंदुस्तान में क्या हो रहा है, ये देश अलग अलग धर्मों का देश, अलग अलग जातियों का देश, अलग अलग विचारधाराओं का देश मिलकर एक साथ 9% जीडीपी पर कैसे चल रहा है। एक तरफ चीन, दूसरी तरफ हिंदुस्तान। चिंडिया बोलते थे, चिंडिया, चाइना और इंडिया, दुनिया का भविष्य चाइना और इंडिया। और ये देखिए, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज, ये प्याज पकड़े हुए हैं आज 200 रुपए। हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नरेंद्र मोदी ने स्वयं अकेले नष्ट कर दी, खत्म कर दी। आपको याद होगा, 8 बजे रात को टीवी पर आए, भाइयों और बहनों, 500 रुपए का नोट, 1000 रुपए का नोट मैं रद्द करने जा रहा हूं, और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नरेंद्र मोदी ने ऐसी चोट मारी कि आज तक जो नुकसान हुआ
वो ठीक नहीं हुआ। आपसे झूठ कहा, आपसे झूठ कहा, कहा काले धन के खिलाफ लड़ाई है, काले धन को खत्म करना है, भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ना है, झूठ कहा। माताएं बहनों के घरों से, जेब से, युवाओं के जेब से पैसा निकाला और लाखों करोड़ रुपए अदानी और अनिल अंबानी के हवाले किए। उसके बाद गब्बर सिंह टैक्स, मनमोहन सिंह जी ने कहा, चिदंबरम जी ने उनसे कहा, इसको आप बिना पायलट प्रोजेक्ट मत लागू कीजिए, देश का नुकसान हो जाएगा। जो हमने बनाया है, पूरे देश ने प्यार से, खून पसीने से अर्थव्यवस्था खड़ी की है, नष्ट हो जाएगी। नरेंद्र मोदी कहते नहीं, मैं तो 12 बजे रात को गब्बर सिंह टैक्स लागू करके ही दिखाऊंगा। कर दिया। और हुआ क्या, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी हिंदुस्तान में आज। क्या 9% जीडीपी ग्रोथ रेट होती थी, आज 4% पे पहुंच गए हैं। और वो भी उन्होंने जीडीपी नापने का तरीका बदला, जीडीपी नापने का तरीका बदल दिया। तो अगर आप हमारे तरीके से, पुराने तरीके से जीडीपी नापो, तो आज 2.5% जीडीपी ग्रोथ रेट है हिंदुस्तान का। भाई और बहनों, हिंदुस्तान के सब दुश्मन, मैं नाम नहीं लेना चाहता हूं, मगर हिंदुस्तान के सब दुश्मन चाहते हैं और चाहते थे कि हिंदुस्तान की शक्ति, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था नष्ट की जाए। और वो काम दुश्मनों ने नहीं किया, वो काम हमारे प्रधानमंत्री ने किया। और फिर अपने आप को प्रधानमंत्री देशभक्त कहते हैं। पूरा का पूरा पैसा 2-3 उद्योगपतियों को पकड़ा दिया है, सब उद्योगपतियों को नहीं। इस देश में बहुत सारे ईमानदार उद्योगपति हैं, और मैं इस बात को मानता हूं कि अगर किसान इस देश को बनाता है, मजदूर इस देश को बनाता है, छोटा दुकानदार इस देश को बनाता है, तो ईमानदार उद्योगपति भी इस देश को बनाता है। मगर पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने, मैं एक नाम लेता हूं, एक नाम लेता हूं, पिछले 5 सालों में नरेंद्र मोदी ने अदानी को 50 कॉन्ट्रैक्ट दिए हैं, 1,00,000 करोड़ रुपए से ज्यादा। देश के एयरपोर्ट पकड़ा दिए, देश के पोर्ट पकड़ा दिए, बिना कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। क्यों, क्यों दिया, इसको आप क्या कहेंगे, इसको आप चोरी नहीं कहेंगे, इसको आप भ्रष्टाचार नहीं कहेंगे, तो क्या कहेंगे इसको। 1,40,000 करोड़ रुपए कुछ ही दिन पहले 15-20 लोगों का कर्जा माफ किया है। आपसे, आपसे टेलीफोन इस्तेमाल करने के लिए 50% रेट बढ़ा देंगे, और फिर बड़े से बड़े उद्योगपतियों का 60,000 करोड़ रुपए माफ कर देंगे। अर्थव्यवस्था क्या होती है, जब तक हिंदुस्तान के गरीब लोगों के पास, किसानों के पास, मजदूरों के पास, युवाओं के पास जेब में पैसा नहीं होगा, तब तक हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था आगे नहीं जा सकती। मैं आपको समझा देता हूं, हिंदुस्तान का किसान, मजदूर, युवा, आप लोग माल खरीदते हो, जब आपके जेब में पैसा होता है आप चीजें खरीदते हो, खरीदते नहीं खरीदते हो, शर्ट पैंट जूता मोबाइल फोन काले चश्मे जैसे आपके हैं, ये आप खरीदते हो।
जब आप खरीदते हो, फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं, जब फैक्ट्रियां ये चीजें बनाती हैं, आप ही लोगों को उन फैक्ट्रियों में रोजगार मिलता है। ये इकोनॉमिक सिस्टम है। पैसा पहले गरीब लोगों के जेब में डालो, किसानों के हाथ में डालो, मजदूरों के हाथ में डालो, वही पैसा किसान, मजदूर, छोटे दुकानदार पैसे का प्रयोग करेंगे, चीजें खरीदेंगे, डिमांड बनेगा, फैक्ट्रियां बनाएंगे। नरेंद्र मोदी ने आप सबके जेब में से पैसा छीन के निकाल दिया। बघेल जी ने कहा छत्तीसगढ़ में 2500 रुपए धान के मिलते हैं, मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, कर्नाटक, पंजाब, इन प्रदेशों में हमने कर्जा माफ क्यों किया, इन प्रदेशों में हम सही एमएसपी क्यों देते हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि हिंदुस्तान के किसान के बिना अर्थव्यवस्था आगे जा ही नहीं सकती। मनरेगा हमने क्यों दिया? क्योंकि हम जानते हैं हिंदुस्तान के मजदूर के बिना ये देश आगे नहीं जा सकता है। तो नरेंद्र मोदी ने पूरा पैसा खींच के अपने 2-3-4 मित्रों को दे दिया और हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को नष्ट कर दिया। मगर वो वहां नहीं रुके, बांटने का काम करते हैं। आपने, पूरे देश ने नरेंद्र मोदी को चुना। क्यों चुना? हिंदुस्तान को मजबूत करने के लिए चुना, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए चुना, युवाओं को रोजगार देने के लिए चुना। वो काम नरेंद्र मोदी ने नहीं किया। 4% पे जीडीपी पहुंच गई, 45 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। आज दिन भर किसान आत्महत्या कर रहे हैं। मैंने पार्लियामेंट में सवाल पूछा, भाई बताओ, हिंदुस्तान में नरेंद्र मोदी की सरकार है, कितने किसानों ने आत्महत्या की? सरकार जवाब देती, हमें मालूम नहीं। पार्लियामेंट में सवाल का जवाब देती, हमें मालूम ही नहीं। प्रदेशों से जाके पूछिए, हमें नहीं मालूम। इनको यह भी नहीं मालूम कि हिंदुस्तान की रीढ़ की हड्डी के किसान, कितने किसानों ने अपनी जान ली। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को, मगर पूरे देश को मालूम है, पूरा देश जानता है यहां हालत क्या है, और फिर यह बांटने का काम शुरू करते हैं, एक धर्म को दूसरे धर्म से। जम्मू कश्मीर में, नॉर्थ ईस्ट में जाइए, असम जाइए, मिजोरम जाइए, मणिपुर जाइए, नागालैंड जाइए, अरुणाचल जाइए, देखिए नरेंद्र मोदी ने क्या काम किया है। जला दिया है उन प्रदेशों को, आग लगा दिया असम में। बांटने का काम करते हैं, देश को कमजोर करने का काम करते हैं। और आप लोग जो सब यहां आए हो, और जो करोड़ों लोग इस प्रोग्राम को टीवी पे देख रहे हैं, मैं आपसे बात कर रहा हूं, आप इस देश को बांटते नहीं हो, आप इस देश को अपने खून पसीने से, अपने दिल से खड़ा करते हो रोज। छोटे दुकानदार, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवा, ये सब लोग मिलकर इस देश को खड़ा करते हैं। ये आपका खून है, ये आपका पसीना है, और आपके देश को कमजोर किया जा रहा है, हमारे देश को कमजोर किया जा रहा है, बांटा जा रहा है, और आपकी अर्थव्यवस्था को नष्ट किया जा रहा है। और कारण यही है कि नरेंद्र मोदी जी सिर्फ एक बात को देखते हैं, एक बात के बारे में सोचते हैं, एक चीज के बारे में सोचते हैं कि उनके हाथ में सत्ता है, हां या ना।
सत्ता के लिए हमारे प्रधानमंत्री कुछ भी कर देंगे, सत्ता के लिए अर्थव्यवस्था को नष्ट कर देंगे, हिंदुस्तान में सब युवाओं को बेरोजगार कर देंगे। मार्केटिंग होनी चाहिए नरेंद्र मोदी की, टीवी पे आने चाहिए रोज। भैया एक बात बताओ, टीवी पे नरेंद्र मोदी रोज दिखाई देते? दिखते हैं ना, कितने घंटे दिखते हैं? दिन भर दिखते हैं ना। भैया ये जो टीवी पे 30 सेकंड का जो एडवर्टाइजमेंट आता है, कितने का आता है? लाखों रुपए का आता है ना। तो ये नरेंद्र मोदी जो दिन भर टीवी पे दिखाई देते हैं, और हिंदुस्तान के बाकी नेता कोई नहीं दिखता। मनमोहन सिंह जी को आप टीवी पे देखते हो? नहीं देखते ना। तो इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा कौन दे रहा है? इसका पैसा वो लोग दे रहे हैं जिनको नरेंद्र मोदी आपका पैसा छीन कर दे रहे हैं। ये सच्चाई देश की। और मैं मीडिया वालों से कहना चाहता हूं, देखो आप पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी पड़ती है। हमारी सरकार थी, आप हमारी सरकार पर आक्रमण करते थे और आपने सही किया। मैं स्टेज से कह रहा हूं कि आपने अपना काम किया, मगर आज वो अपना काम, आप अपना काम भूल गए हो। आज आप अपना काम भूल गए हो, मगर आप भी देशवासी हो, आप भी इस देश के हो। और मैं हिंदुस्तान के सब इंस्टीट्यूशंस के लोग से कह रहा हूं, हर इंस्टीट्यूशन में जो लोग बैठे हैं, चाहे वो हमारे कोर्ट्स में बैठे हो, चाहे वो मीडिया में बैठे हो, चाहे वो सरकारी ऑफिस में बैठे हो, चाहे वो ब्यूरोक्रेट्स हो, आप ये बात याद रखिए, जिम्मेदारी आपकी भी है। जब आपको दबाया जाता है, कुचला जाता है, धमकाया जाता है, आप पर आक्रमण होता है, मीडिया के लोगों पर आक्रमण होता है, तो ये आप पर आक्रमण नहीं हो रहा है, ये हिंदुस्तान की आत्मा पर आक्रमण हो रहा है। तो मैं आप सबसे कहना चाहता हूं, बहुत समय हो गया इस देश को डराया जा रहा है, दबाया जा रहा है। अब कांग्रेस वाला तो कभी डरता नहीं है, कांग्रेस वाला बब्बर शेर होता है, नहीं डरता किसी से। मगर मैं उन लोगों से कह रहा हूं जो सरकारी ऑफिस में बैठे हैं, जो मीडिया में बैठे हैं, मैं उन लोगों से कह रहा हूं, डरो मत, आपके साथ कांग्रेस पार्टी खड़ी है, मिलकर हिंदुस्तान के लिए हमें लड़ना है। और जो आज डर है, डर का माहौल है, नफरत का माहौल है, इस माहौल को हिंदुस्तान की जनता, कांग्रेस पार्टी, हम सब मिलके मिटा डालेंगे। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।